I really like your mojo. Sorry, आने से पहले हम लोग mojo की discussion कर रहे थे. हाँ, sorry. सबसे पहले तो इस बार की क्या strategy होने वाली है? क्योंकि last time जो है semi-finale में पहुंची थी. तो इस बार कुछ प्रेशर है आपको किस एंगल से लग रहा है कि मुझे क्रिकेट के बारे में बहुत नॉलेज है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? हम लास्ट टाइम सेमीफाइनल भी है वो इंसान जिनसे आप इनसे पूछो स्ट्रैटेजी तो सर स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं है, बस ये है कि जितने प्लेयर हैं सब 11 के 11 अपना बेस्ट दें, जो बॉलिंग करते हैं वो बॉलिंग करें, जो बैटिंग कर रहे हैं बैटिंग करें. हाँ यही स्ट्रैटेजी है कि सब अच्छा खेलो, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में मत खेलो कि कई बार होता है कि अरे ये टीम अरे इसको इस लड़की को तो मैं छक्के मार दूंगा. नहीं, किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, कोई भी आपकी विकेट, यू जस्ट नीड वन बैट बॉल टू गेट आउट. ऑनेस्टली बीसीएल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर क्रिकेट क्योंकि बॉल अलग है, जितना स्पेस है जिसमें हम खेल रहे हैं वो उतना बड़ा फील्ड नहीं है, तो वहाँ पर छक्के और चौके मारना आसान है, लगता आसान है as compared to how regular cricket is. हाँ लेकिन still. Okay, तो but इसलिए like he said कि किसी को भी underestimate करके कोई फ़ायदा नहीं है because eventually वहीं पर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में. आप मानते हैं कि आपकी हाइट का फ़ायदा होने वाला है आपकी टीम पे? यार मुझे तो लगता है ना मेरा पूरा करियर ही मेरी हाइट पे बना है. मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरी हाइट के बारे में बात होती है. मतलब मैंने एक्टिंग कर ली, मैंने 1 शो 2 शो 3 शो 4 शो एंकर कर ली, सब घूम फिर के मेरी हाइट के बारे में बात. इसकी हाइट अच्छी होती है, बॉलिंग अच्छी कर सकता है. किसने बोला? आपने देखा मुझे बॉलिंग करते हुए? आई विल प्रूव यू रॉन्ग. आई थिंक समवेयर आई थिंक आई कैन बी अ गुड फील्डर. मैं फील्डिंग अच्छी कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ माई हाइट, शायद मैं उछल कूद कर सकती हूँ. यू आर राइट इन दैट सेंस, बट आई थिंक समवेयर मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट वुड बी बैटिंग. अगर बीसीएल की बात करें तो कितना ज़रूरी होता है बीसीएल का होना, क्योंकि एक्टर्स को जो है हेक्टिक शेड्यूल से जो है टाइम मिलता है एक दूसरे को मिलने का, तो कितना ज़रूरी है? आवर फर्स्ट सीजन ऑफ बीसीएल, ऑल्दो ये एक बार पहले हो चुका है, तो हम पहली बार इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं. एंड मेरा बीसीएल में आने का मुद्दा ये था कि मुझे फिर से रोहित के साथ काम करने का मौका मिलेगा. हम लोग ने साथ में नाच किया था एंड नाउ वी आर अगेन टुगेदर, एक ही टीम में. हाँ एक ही टीम में है. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैड डिसाइडेड अपॉन. ऑफ कोर्स बीसीएल जैसा एक शो होना ज़रूरी है फॉर एवरीवन, फॉर द प्रोड्यूसर्स, फॉर द ब्रॉडकास्टर्स, बट मोर सो फॉर द एक्टर्स, क्योंकि लाइक यू सेड बहुत ही स्ट्रेनियस शेड्यूल होता है डेली सोप एक्टर्स का, तो ये बहुत डी स्ट्रेसिंग माहौल में आप आते हो, वो कॉमराडरी बनती है, सबकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि नहीं है वो पता चलता है, रियल रंग दिखते हैं लोगों के. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ शो लाइक दिस. थैंक यू सो मच.